नहीं, जितनी भी लड़कियां हैं जिन्होंने रहती हैं नारकोटिक्स के लिए, और लाइव चलना चाहिए ताकि पूरे देश को पता चले कि उन्होंने देश की बेटियों के साथ में कितनी दरिंदगी और कितनी ज्यादती की है। वो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो उसकी शर्त पर उसकी शर्त चलेगी। जिन लड़कियों ने कंप्लेंट दी है ना, उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। हम तैयार हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ब्रजभूषण को हीरो बना के पेश ना किया जाए, वो एक यौन शोषण का अपराधी है। और जो ब्रजभूषण जी ने एक आरोप लगाया था कि 15 रुपए के मेडल हैं, उसने मेडल का नहीं तिरंगे का भी मोल लगाया है। जत्थे आए हैं, चाहे वो किसान संगठन कोई भी संगठन यहाँ पे आया, सभी का धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। और अब कल शाम को ब्रजभूषण जी ने एक बयान दिया कि भाई मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ। हमने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई खिलाड़ी तैयार हैं, उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। और मैं मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि उनका नार्को, अगर वो रेडी है तो उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, और पूरा देश लाइव देखे उस चीज़ को कि उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और क्या जो कंप्लेंट खिलाड़ियों ने दी है उनके, उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ दो ही नाम लिए कि विनेश का और बजरंग का नार्को टेस्ट होना चाहिए। जिन्होंने 7 लड़कियों ने जो कंप्लेंट दी है उनका भी तो होना चाहिए ना। हम तैयार हैं, तो आप उस चीज़ के लिए अगर आप रेडी हो, पूरा देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करूंगा कि पूरा देश उस चीज़ को लाइव देखे कि क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद जो वो दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो इसके ऊपर भी एक बार, क्योंकि अभी तक उनके ना तो 164 के बयान हुए हैं, वो 500 किलोमीटर दूर बैठ के बोल रहा कभी ये कर लो कभी वो कर लो, हम तो यहाँ उनके घर के पास बैठे हैं, 200 मीटर दूर है। तो हम उनसे पूछना चाहते कि अभी तक आपके 164 के बयान नहीं हुए हैं, आप दूर दूर भाग रहे हो, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। और मैं मीडिया के माध्यम से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि उनको सोशल मीडिया पे स्टार ना बनाए, क्योंकि वो एक दोषी है। उनको स्टार ना बनाए कि भाई वो स्टार हो, वो कोई ऐसा कोई भी इतना बड़ा काम नहीं कर रखा उन्होंने जो उसको सोशल मीडिया पे आप ट्रेंड दे रहे हैं। हम ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो बेटियों की लड़ाई है, पूरा देश साथ साथ खड़ा है। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलूंगा कि उनका जो नार्को टेस्ट की उन्होंने जो मांग की है वो लाइव टेलीकास्ट हो, पूरा देश देखे उस चीज़ को। हम उसके जो उन्होंने बोला हम उसका समर्थन करते हैं, हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। उन्होंने नाम लिया है कल की विनेश और बजरंग का। मैं आपके माध्यम से ब्रजभूषण जी को कहना चाहती हूँ कि विनेश नहीं, जितनी भी लड़कियाँ हैं जिन्होंने रही हैं नार्को टेस्ट के लिए, और लाइव चलना चाहिए ताकि पूरे देश को पता चले कि उन्होंने देश की बेटियों के साथ में कितनी दरिंदगी और कितनी ज्यादती की है। पूरे देश को दिखना चाहिए वो। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज पूरे 30 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कल 23 मई को हम शाम 5 बजे इंडिया गेट पे कैंडल मार्च कर रहे हैं, तो आप सब लोग वहाँ आइए और हमारा समर्थन कीजिए। और हमारा जो ये प्रोटेस्ट है वो शुरू दिन से ही हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, और कोई भी अगर यहाँ आके कुछ भी गलत एक्टिविटी कर रहा है या भड़काऊ भाषण दे रहा है तो उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, क्योंकि हम नहीं किसी भी आदमी के अंदर घुस सकते हैं। और जिस भी जगह हम जा रहे हैं इंडिया गेट पर, वहाँ हमारे शहीदों की जगह है और हम मर्यादा रखते हुए वहाँ कैंडल मार्च करेंगे। तो और पुलिस प्रशासन से भी, सरकार से भी निवेदन है, जो भी आए महिलाएं आए, जो भी हमारे चाचा ताऊ आए, उन्हें आने दिया जाए, क्योंकि हम शुरू से ही जो भी हमने किया है, हम मंदिर में गए, हम गुरुद्वारे में गए, हमने सब शांतिपूर्वक किया है। उसकी चुनरी हम बोल तो दिया, उसकी चुनरी देश के सामने आ जाएगी, वो बोल तो दिया लाइव टेलीकास्ट हो जाए, उनकी चुनरी कितने दाग है या ना है वो सामने आ जाएंगे। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, ब्रजभूषण को ऐसे प्रिटेंड करके या ऐसे दिखा के मत पेश किया जाए कि वो देश के हीरो हैं। जिनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा है, अगर ऐसे लोगों को आप हीरो बनाओगे तो जो देश के असली हीरो हो या जो हैं, जो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिरंगा फहराते हैं, तो उनको आप किस देश में पेश करोगे देश के सामने। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ब्रजभूषण को हीरो बना के पेश ना किया जाए, वो एक यौन शोषण का अपराधी है। उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है, उनके ऊपर 7 लड़कियों ने कंप्लेंट करवा के केस दर्ज किया गया है। और जो भी ये बोल रहे हैं कि ये नार्को टेस्ट का, वो हमने 1 महीने से बोल रहे हैं, 1 महीने बाद उसकी नींद खुली है क्या नार्को टेस्ट के लिए, वो हमने पहले बोला था। तो ऐसे प्रिटेंड ना किया जाए कि ब्रजभूषण ने सामने से अप्रोच किया है नार्को टेस्ट का।
शांतिपूर्वक खाप पंचायत है, महिला होगी पार्लियामेंट के सामने 28 तारीख को। तो हम तो पहले ही बोल रहे कि हमारी जो चीज़ें हो रही है वो शांतिपूर्वक हो रही हैं, उसमें मैं सरकार से भी और पुलिस प्रशासन से भी अपील करूंगा कि आप भी उसमें शांति बनाए रखें, हमारे लोग जो आ रहे हैं उनको रोका ना जाए। और जो ब्रजभूषण जी ने एक आरोप लगाया था कि 15 रुपये के मेडल हैं, उसने मेडल का नहीं तिरंगे का भी मोल लगाया है उसने, क्योंकि जब हम मेडल जीते तो हम तिरंगा लेके दौड़ते हैं मैट के ऊपर, तो उसने मेडल के साथ साथ तिरंगे का भी अपमान किया है, वो हमें देशद्रोही बता रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। धन्यवाद जी। बजरंग जी, उनकी शर्त है सिर्फ दो पहलवानों के नाम को, उसकी शर्त नहीं चलेगी भाई।